यहीं से पूरा काला धन जमा होता ये पर्दे के पीछे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एक्सपर्ट आज स्वागत करेगा आपका एलबी टूल की ऑफिस में, जो कि मुझे वेलकम करने के लिए डॉक्टर वांग यहाँ खड़े हुए। पहले उनसे मिलते हैं। आज का ना वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस जैक, इसे तो जानते हैं, ये मेरा भाई है। थैंक यू। ये हमारे ट्रांसलेटर होने वाले वीडियो के लिए। तो ये एलबी का एंट्रेंस है, डिटेल आपको दे दूंगा, लोकेशन बता दूंगा। फ्लोर नंबर 15 पे आना है आपको। फ्लोर नंबर 15 से आप इंटर करते ही एलबी आपको वेलकम करता हुआ नजर आएगा। जैसे हम अंदर जाएंगे, एलबी ने चार रूम्स रखे हैं अपने काम के लिए, जिसमें एक में ऑफिस है, एक में टीम जो है काम करती है, और एक में पैकेजिंग होता है, और एक में बॉस रहता है जो सिर्फ चाय पिलाता है। व्हाट? चलिए मैं चारों रूम के ना आपको दर्शन कराऊंगा। पहले शुरुआत होने वाली है मेरे ख्याल से इस रूम से होने वाली है, जो के है अभी अंदर जाने के बाद। ओह सरप्राइज, लेबोरेटरी यानी एलबी की लेबोरेटरी में हम अभी अंदर आ चुके हैं। शानदार, देख सकते हैं आप सभी कैसे साथ में मिलके काम कर रहे हैं। लेबोरेटरी है, रिसर्च होती है यहाँ पे, मतलब जो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं उस पर क्या कोडिंग होगी, कैसे काम करेंगे। और मुझे ना ज्यादा यहाँ पे बोलने की इजाजत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट रूम की तरफ चलूंगा। हम चलते हैं अगले रूम की तरफ और देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पे है मेहमान नवाजी, आइए और इनकी मेहमान नवाजी का आनंद लीजिए। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। तो गाइस, अब ना हम जाने वाले हैं एलबी के अकाउंट्स वाले सेक्शन में, टूल्स टेक्सटिंग वाले सेक्शन में। आइए जल्दी। यहीं से पूरा काला धन जमा होता है, बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं होता। चलो और एक बताता हूँ, ये पर्दे के पीछे एलबी टूल्स का जो टूल ये बनाते हैं टेस्टिंग होता है, क्या होता होगा। अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। देखेंगे और कि पर्दा हटा दूं, क्योंकि मैं अंदर नहीं जाना चाहता और ये लोग के काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं इसलिए यहीं बाहर से आपको डेमो देना चाहूंगा। और चलते हैं अभी हमारा लास्ट एंड फाइनल रूम। तो फ्रेंड्स, ये है एलबी का टूल का एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं देने वाला हूँ कि ये जो भी मेरे सामने रखा हुआ है आप देख सकते हो कि ये क्या चीजें हैं। मैं इससे शुरू करूंगा। ये इन्होंने ना PCIe यानी अपनी NAND, हम जिसे कहते हैं SSD हार्ड डिस्क, उसका प्रोग्रामर बनाया ऑल इन वन, जिसमें तीन जो है आपको जिग मिलेंगे। तो इसमें होगा ये iPhone 6s से लेके iPhone 16 तक की आप हार्ड डिस्क को इसमें प्रोग्राम कर पाओगे, बस आपको जिग बदलनी है और प्रोग्रामिंग डन। उसके बाद में ये एलबी ने L3 बनाया है। ये जो है ना जितने भी एरर होते हैं ना, लाइक ट्रू टोन एरर, बैटरी मैसेज और कैमरा एरर मैसेज, सारे मैसेज के लिए आपको ये L3 बॉक्स में ये जो भी होगा आपको ये जिग लगाना होगा और आप चेंज कर ले सकते हो और उसी तरीके से प्रोग्रामिंग आपका कर सकते हो। चलिए, उसके साथ में आपको स्ट्रिप भी चाहिए होगी तो वो LB ही देगा। अभी आते हैं माइक्रोस्कोप के बाद। LB का कहना है कि ये 4K AF यानी ऑटो फोकस कैमरा है और इसका 60x तक के जूम है। चलिए, इस कैमरे को ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ब्रीफली, जिसमें ये इसका ऑटो फोकस किस तरीके से काम कर रहा है, कैमरे की जूमिंग क्या है, मैं भी इसके लिए ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सेटअप करने के लिए टाइम लगेगा और बाकी सब चीजें हैं करने की। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में LB किस तरीके के प्रोडक्ट बना रहे। और हाँ, पर्सनली मैं एक बात बोलूँ तो मुझे ना Face ID के लिए तो LB काफी अच्छा लगता है, कभी ना रिटर्न का प्रॉब्लम नहीं आया उसमें। तो LB मैं चाहूंगा कि आप लोग यूज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप गाइस आप लोग मुझे इसी तरीके से अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं और ना बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इस बार ये नए टॉपिक्स थे China 2, तो इसी तरीके से कुछ आइडिया मैं आपके लिए लगाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सपोर्ट आवर एक्सपर्ट।